सूरज सिंह जी, राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष, मंजीत सिंह जी, बहुजन समाज पार्टी में रहे मंत्री अनीस अहमद साहब, मंच पर उपस्थित अमित यादव, आदरणीय बलवंत सिंह रामवालिया जी, पूर्व विधायक पीतम राम जी, गोपाल कृष्ण जी, पूर्व विधायक अतार रहमान साहब, और मैं कहूं कि बहुत सारे हमारे समाजवादी पार्टी के सभी नेता जो मंच पर उपस्थित हैं, दूसरे मंच पे भी हमें जिम्मेदार कार्यकर्ता और साथी दिखाई दे रहे हैं। सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। वहीं मैं आप सबका आभारी भी हूं कि इतनी गर्मी में जहां धूप है, सर पे कुछ रखा होगा कि नहीं रखा है, उसके बावजूद भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि जो लोग इतनी गर्मी में धूप में आशीर्वाद दे सकते हैं, तो जब वोट पड़ेगा तो अपने गांव में, घर में न जाने कितने मतदाताओं से हमारी पार्टी के और गठबंधन के प्रत्याशी जी की मदद करेंगे। इस मैदान में हम लोग पहले भी मिल चुके हैं, इस मैदान में हम और आप लोग कई बार मिले हैं। पहले जब आए थे तो यही इंटर कॉलेज हमें लाल रंग का दिखाई दे रहा था, याद होगा आपको, जो साथी यहां के होंगे, पत्रकार साथियों को याद होगा ये लाल रंग का हुआ करता था। इसकी छतें जर्जर थीं, बहुत खराब हो गया था, और समाजवादियों ने की नजर पड़ी, इसको भी ठीक कर दिया। कम से कम शुरुआत हो गई कि जहां पर पढ़ाई होती है वो इंतजाम किया है समाजवादियों ने। इसी तरह विकास का रास्ता खोला था समाजवादियों ने कि तरक्की और खुशहाली का रास्ता क्या है, उस दिशा में ले जाने का काम समाजवादी लोग कर रहे थे। लेकिन न जाने कौन सी बात कही भारतीय जनता पार्टी ने, और सपने दिखाए, बड़े बड़े सपने दिखाए, न जाने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या लिख दिया, जनता को भरोसा हो गया कि ये लोग कुछ बदलाव लाएंगे। अब 2019 आ गई, हम उनसे जानना चाहते हैं कि जो अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन वाला जो घोषणा पत्र था वो कहां है, कोई हमें बताए। अच्छे दिन वाला घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का कहां है, अब अच्छे दिन पता ही नहीं कहां पर हैं। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं ला पाई, कम से कम हम लोगों को बता दो कि अच्छे दिन कहां है, हम लोग चल करके पहुंच जाएंगे वहीं पर। अच्छे दिन आएंगे जब यहां से गठबंधन का प्रत्याशी जीत करके लोकसभा में खड़ा होगा, तब अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन भूल गए हम, नौजवानों का करोड़ों नौकरी देंगे, नौकरी भूल गए, किसानों का 14 दिन में बकाया भुगतान हो जाएगा। हमारे किसान भाई हैं यहां पर उपस्थित होंगे, बताओ अभी भी बकाया है चीनी मिलों का, नहीं दे पाए पैसा सरकार के लोग और प्राइवेट मिल, अभी भी पड़ा हुआ है, नहीं दे पा रहे ये लोग। बाबा मुख्यमंत्री जी आए थे कि नहीं आए थे, आने वाले होंगे तो उन्हें हिसाब किताब दे देना कि अभी भी बकाया है चीनी मिलों का। सब कुछ बकाया है, और ये जो घोषणा पत्र 2019 का इन्होंने जारी किया है,
ये जो संकल्प पत्र नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का धोखा पत्र है, हमें और आपको धोखा देने वाला पत्र है। कह रहे थे कि रुपया हमारा डॉलर से नीचे जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम किया, नोट बंदी करा दी, सबके नोट जमा करा लिए। बताइए, हमारे आपके सबके नोट जमा कराए कि नहीं कराए? और कहा कि काला धन आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, बेईमानी खत्म हो जाएगी। और जब बैंकों में पैसा हमारा आपका जमा हो गया, वही लोग उनके खासम खास लोग हवाई जहाज पकड़ करके भारत छोड़ करके चले गए। हमारा आपका बैंकों में जमा पैसा था, हजारों करोड़ लेकर के चले गए। अगर ये बात आप जान गए हो, आप तो फिर तारीख का इंतजार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जिस दिन वोट डालना है? और हमारे किसान खाद और यूरिया में भी चोरी की है, 5 किलो की है कि नहीं की है? तो आप लोग ऐसे ही थोड़ी बोल रहे हो, आपकी नौकरी चोरी हो गई, और जेब में से भी चोरी हो गई, सब जमा हो गया पैसा। व्यापारियों की जीएसटी से हुई चोरी के नहीं हुई बताइए आप? तो जब आप जान गए हो तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये बात अगर जान गए हो आप तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि चौकीदार की इस बार हम लोग चौकी छीन लें। और चौकी छीनेगी कि नहीं छीनेगी पीलीभीत वालों, हमें बताओ, या फिर इन्हीं के चक्कर में पड़े रहोगे, चौकीदारों के चक्कर में? और जो हमारा असली चौकीदार गांव वाला है, उसका कोई हाल नहीं लेने वाला है? कोई हमारा गांव का चौकीदार या जानता होगा तो हम उसको बता दीजिए कि इन्होंने तो नहीं सम्मान दिलाया है चौकीदार को हमारे गांव के। समाजवादी सरकार जब जब बनी है उनको सम्मान दिया है, और आने वाले समय में केंद्र सरकार बनेगी समाजवादियों के और गठबंधन के सहयोग से, तो उन चौकीदारों को सम्मान देने का काम करेंगे। इसलिए पहले वो चाय वाला बन के आए थे, और अब चौकीदार बन करके आए हैं। आप सावधान हो कि नहीं सावधान हो बताओ? कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी वाले चाय वाला बदल गया तो चाय पीने लगो आप लोग? सुना है यहां पर चाय वाले बदल गए हैं, कहीं और चाय बना रहे थे? ये सुल्तानपुर में चाय बना रहे थे क्या? तभी तो सुल्तानपुर वाले इंतजार कर रहे हैं कि जिन्होंने खराब चाय बनाई है वो हैं कहां पर? आपके यहां आ गए ये? क्या आपके यहां आ गए बताओ? जब खराब चाय वहां बनाई तो यहां कैसी चाय मिलेगी आप बताओ? और पीलीभीत के लोग तो हमें जानते हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, ये दूध वाले लोग हैं, चाय वाय के चक्कर में कम पड़ेंगे। खैर आप ना बोलो, लेकिन हम तो बोल सकते हैं दूध वाले, बताओ अपने आप को कि नहीं बोल सकते? तो बताइए, रिजेक्टेड माल को आप पसंद करोगे? कैसे पीलीभीत के लोग हो बताओ आप? वो सुल्तानपुर से रिजेक्ट हो चुके हैं। रिजेक्ट हुए कि नहीं हुए? रिजेक्ट। और फिर हिसाब किताब भी तो होगा कोई,
मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी की भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो चाहते हैं कि हम भाषाओं में उलझ जाएं, हम असली मुद्दों पे बहस ही ना करें। वो चाहते हैं कि अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसका जवाब हम दें। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उनसे हिसाब किताब किसानों की खुशहाली का मांगेंगे और नौजवानों की बेरोजगारी का मांगेंगे। हम उनकी बहस में नहीं फंसने वाले। बताइए, 2000 रुपए देना चाहते हैं 6000 किसान को। हमारे किसान भाई हैं, सिख समाज के लोग हैं, मेहनती किसान लोग हैं, इन्हें 2000 रुपए 6000 रुपए चाहिए क्या? इन्हें सस्ती खाद, इनकी फसल की सही कीमत मिलनी चाहिए, ये चाहते हैं ये लोग। ये मेहनत करके कमा सकते हैं। आपने वादा किया था कि हम 1.5 गुना मुनाफा देंगे और आय 2 गुनी कर देंगे। यहां के किसान पूछना चाहते हैं, बताओ कौन सी फसल का आप 1.5 गुना हमें दे रहे हो? ये आलू याद कीजिए, ये बाबा मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बने थे, इन्होंने कहा हम आलू खरीद लेंगे। बताओ पीलीभीत के भाइयों, किसी का आलू खरीदा उन्होंने? अब धान में गड़बड़ कर दिया, धान में गड़बड़ कर दिया। और जहां जा रहे हैं हमारे ये बाबा मुख्यमंत्री जी, जहां बाबा मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने देश में 9 करोड़ शौचालय बनाए हैं। जहां जा रहे हैं वहीं कह रहे हैं, अखबार पढ़ लो, बोलो पत्रकार साथियों, यही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? ये कह रहे हैं कि 9 करोड़ हमने शौचालय बनाए हैं। हम उनसे जाना चाहते हैं कि बताओ 9 करोड़ शौचालय तो बना दिए आपने, लेकिन उसमें मग्गे में पानी तो दिया ही नहीं, तो शौचालय जाएगा कौन, कैसे जाएगा बताओ हमें? हमारे कमाल के बाबा मुख्यमंत्री जी हैं, कह रहे हैं शौचालय जाइए लेकिन मग्गा मत ले जाइए। क्या संभव है ये? भारतीय जनता पार्टी की बात शौचालय से शुरू होती है और शौचालय पे खत्म हो जाती है। कांग्रेस 1 गड्ढे का शौचालय बना रही थी, भारतीय जनता पार्टी 2 गड्ढे का शौचालय बना रही थी, और न कांग्रेस ने पानी दिया शौचालय में और न भारतीय जनता पार्टी ने पानी दिया शौचालय में। बताओ ये हालात पैदा कर दिए। इसलिए समाजवादी लोग कहते हैं कि हमारे गरीबों को संपन्न बना दो, पढ़ा लिखा बना दो, अपने आप शौचालय बना लेंगे, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हें संपन्न बनाओ, इन्हें पढ़ा लिखा बनाओ, अपने आप घर भी बना लेंगे और शौचालय भी बना लेंगे। समाजवादियों ने लोही आवास देना शुरू कर दिया था। लोही आवास 3,05,000 का पेंशन दे रहे थे, 500 रुपया महीना, इस सरकार ने रोक लिया। बाबा मुख्यमंत्री जी ने खत्म कर दी वो योजनाएं। हम आपसे कहना चाहते हैं, ये दिल्ली की सरकार दावा करती है कि पैसा बहुत है, उनके पास खजाना है। हम गरीबों को घर अगर देंगे तो 3 लाख से ज्यादा पैसे का गरीबों को घर बनाने का काम करेंगे, और बिजली का भी इंतजाम होगा, सोलर पैनल भी होगा जिससे बल्ब जल जाए, पंखा चल जाए, और जरूरत पड़े तो टीवी और मोबाइल भी चार्ज हो जाए। ऐसा इंतजाम समाजवादी लोग गरीबों के लिए करेंगे, आपको बिल नहीं देना पड़े बिजली का। बिल बताओ कितने महंगे हो गए बिजली के, एक यूनिट नहीं बनाई। हम पत्रकार साथियों बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं, ये जो प्रचार करेंगे गांव गांव बिजली लगा दी, ये समाजवादियों की समय से शुरू की गई योजना है जो लगातार काम कर रही है। बिजली आ गई, लगाई जा रही है, समाजवादियों ने शुरू किया था बड़े पैमाने पर। हम उनसे जानना चाहते हैं, बताओ पूरे प्रदेश में अगर एक भी ट्रांसमिशन लाइन लगाई हो, एक भी बिजली बनाने का कारखाना 1 मेगावाट भी बनाया हो तो बताओ हमें। 1 मेगावाट भी बिजली नहीं बनाया, ना ट्रांसमिशन लाइन, जब बिजली बनेगी नहीं आएगी कैसे तार से? समाजवादियों ने कम से कम बुनियादी जो ढांचा होता है बिजली का, उसको बेहतर करने का काम किया। ये एम्बुलेंस चला रहे हैं जो गरीबों के लिए, 102 108 समाजवादियों की देन है,
बाबा मुख्यमंत्री जी आए, एम्बुलेंस भी पुतवा दी, समाजवादी शब्द हटवा दिया, लेकिन इस बार हमारी जनता तैयार है महागठबंधन को जिताने के लिए, समाजवादी अपने आप लिख जाएगा यहां पर। और बड़ी मेहनत से पुलिस के लिए काम किया, 100 नंबर दिया, और पुलिस का 100 नंबर इसलिए दिया कि हमारे गरीब अगर खेत में हैं, कहीं हैं, झगड़ा हो गया, पानी को लेके झगड़ा हो गया, आबादी को लेके झगड़ा हो गया, या कोई बातचीत करते करते कुछ झगड़ा हो गया, और अगर 100 नंबर मिला देते थे तो उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाती थी पुलिस, इसलिए इंतजाम किया था। दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवस्था थी ये 100 नंबर, फोन करो पुलिस पहुंचे। लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने ये 100 नंबर वाली पुलिस भी गड़बड़ कर दी, पता नहीं क्या कर रही है पुलिस 100 नंबर वाली, वो बुराई यहां भी आ गई क्या जो और जगह है? आ गई होगी बुराई। ये बाबा मुख्यमंत्री जी ने 100 नंबर भी हमारी पुलिस का खराब कर दिया। अभी जब हम चले जाएं तो पुलिस के जो अधिकारी उनसे पूछेगा सबसे ज्यादा प्रमोशन किस पार्टी ने दिया, सबसे ज्यादा पुलिस को गाड़ियां किसने दी, और दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्था 100 नंबर किसने दी, ये पुलिस के लोगों से पूछना। और आसान भर्ती कर दी। अब ये आसान भर्ती इसलिए कर दी क्योंकि नौजवान नौकरी चाहता है, रोजगार चाहता है, इसलिए ये एक नहीं तुम्हारे जैसे न जाने कितने होंगे बेचारे नौजवान, तुम तो अपना दुख चिल्ला भी रहे हो यहां पर, तुम तो अपना दुख चिल्ला भी रहे हो। तमाम नौजवानों के सपने मार दिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। नौजवान बोल भी नहीं सकता कि हमें नौकरी चाहिए, इनका भविष्य नहीं खत्म किया है, देश की आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य किया है, और बेचारे बेरोजगार रह गए, बेरोजगार बाप बन गए, लेकिन नौकरी नहीं मिली इन लोगों को, ये हालत पैदा कर दी है। इसलिए पुलिस की भर्ती भी आसान की थी समाजवादियों ने, और कहा कि मेरिट ले आओ 10वां 12वें के नंबर और दौड़ के दिखा दो, अपने आप पुलिस में भर्ती हो जाओगे, और समाजवादियों ने कर करके दिखाया। हो सकता है मेरिट वाले एक आध खड़े हो यहां पर नए सिपाही, कोई मेरिट वाला है क्या? हाथ ऊपर मत करिए, नीचे रखिए, नहीं तो ये तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, फिर बहाल हमें ही करना पड़ेगा। और इसलिए कहा कि इनकी टेंशन खत्म करनी थी, इनकी बेवजह टेंशन थी, इन्हें 2 परीक्षा लिखो तब भर्ती होते थे, फिजिकल टेस्ट, 2 परीक्षाएं लिखनी पड़ती थी। और हमने कहा कि बताओ पुलिस में भर्ती होने के लिए केवल डंडा पकड़ने के लिए 2 परीक्षा लिखोगे? ये 2 परीक्षाएं लिखी जा रही थी डंडा पकड़ने के लिए केवल। हमने कहा कोई परीक्षा नहीं होगी, 10वें 12वें के नंबर और दौड़ के दिखा दो, अपने आप पुलिस भर्ती हो जाएगी, सबसे जल्दी और सबसे आसान पुलिस भर्ती की। इसी तरह दिल्ली में समाजवादी लोग जाएंगे, गठबंधन के लोग जाएंगे, तो वहां भी फौज की चाहे पैरामिलिट्री की इसी तरह हमें करनी पड़े, इंतजाम करेंगे। और अगर ट्रेनिंग देनी हो बेहतर तो ट्रेनिंग आप बेहतर दे दो, अच्छी वर्दी दे दो, अच्छा खाने को दे दो, ये अपने आप अच्छा काम करेंगे। ये व्यवस्था करना चाहते समाजवादी लोग, इसलिए ये पीलीभीत के हमारे तमाम किसान भाई नौजवान साथियों, आपसे हम विशेष निवेदन करने आए, अपील करने आए हैं, ये जो गठबंधन तैयार हुआ है आपको सुनाई दे गई होगी वोट की आवाज, वोट की आवाजें पहुंच गई पहले चरण की के नहीं पहुंची आपके कानों तक? जैसे कभी कभी बारिश तेज होती है तो कमरे के अंदर सो भी रहे हो तो आवाज सुनाई दे जाती है उनके बूंदों की, पहले चरण के वोट की आवाज आपके कान तक पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? और किस तरीके से वोट बरसा है पहले चरण में बताओ, उसी तरह बरसाओगे वोट पीलीभीत में कि नहीं बरसाओगे आप लोग? ये गठबंधन को कह रहे हैं महामिलावट है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसानों का, गरीबों का, नौजवानों का, ये गरीब जो छूट गए थे उनका गठबंधन है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या कहें।
ये महामिलावट का नहीं है, ये महापरिवर्तन का गठबंधन है, ये देश को परिवर्तन के रास्ते पे ले जाने का काम करेगा। ये कहते हैं कि नया देश बनाएंगे, नया देश। आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नया देश बनाएंगे। नया देश भारतीय जनता पार्टी नहीं बना सकती है, नया देश ये गठबंधन बनाएगा। और नया देश तब बनेगा जब ये गठबंधन नया प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। बीजेपी के लोग नया देश बनाना चाहते हैं, हम महागठबंधन के लोग नया प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि पुराने प्रधानमंत्री फेल हो चुके हैं।